मोहम्मद मीर बादशाह लिखते हैं, मुफ्ती साहब क्या इमाम कादाए उला में तशहुद पढ़कर कुछ देर खामोश बैठ सकता है ताकि मुक्तदी तशहुद से फारिग हो जाए फिर अगली रकात के लिए खड़े हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजवाब बिऔनिल मलिक अलवहाब अल्लाहुम्मा हिदायतल हक वस्सवाब। तशहुद पढ़कर इमाम साहब का जान बूझ कर मुक्तदियों के इंतज़ार में खामोश बैठना जायज़ नहीं। अगर तीन बार सुबहानअल्लाह की मकदार खामोश बैठे रहे नमाज दोबारा पढ़ना लाजिम होगी। तशहुद पढ़ने के बाद बग़ैर किसी ताखीर के तीसरी रकात के लिए खड़ा होना ये वाजिब है। शेख इमाम ज़हीरुद्दीन मुर्गीनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सजदा साहब अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद पर इसकी मिसल से वाजिब नहीं होता, बल्कि असल एतबार इतनी मकदार ताखीर का है जितने में एक रुकन यानी तीन बार सुबहान अल्लाह या सुबहान रब्बी अल आला जितनी ताखीर करे। आलमगीरी में है अमदन तर्क के वाजिब से सजदा साहब वाजिब नहीं, बल्कि उसके नुकसान को पूरा करने के लिए नमाज का इयादा ज़रूरी है। वल्लाहु आलम अज़्ज़ा वजल व रसूलुहु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।